यूनिक कन्नू वर्ल्ड। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक माई वीडियोज। वेलकम बैक टू माई चैनल वंस अगेन फ्रेंड्स। मैं जो आज जो वीडियो बना रही हूँ ज़िवामे की ब्रा पे बना रही हूँ, और फ्रेंड्स मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि मेरी जो पहली वीडियो जो मैंने ज़िवामे के ऊपर बनाई थी वो आप लोगों ने बहुत पसंद करी, उससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पूछे और जिसके बारे में मैं आपको बता पाई। क्योंकि एक्चुअली जब हम कोई नई चीज़ खरीदते हैं, नया प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो हम चाहते हैं कि पहले हम उसको अच्छे से वेरीफाई कर लें या उसके बारे में नॉलेज ले लें। तो ये वीडियोस हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहती हैं, क्योंकि हम जब परचेज़ करते हैं तो हम बहुत सी कन्फ्यूजन्स हमारे अंदर चल रही होती है, तो उनको बहुत ज़्यादा ये सॉर्ट आउट करती है। और बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हुई, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन आस्क करा, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि उनको ये सब मैंने बताया। तो एक्चुअली फ्रेंड्स ये मैं आपको बता दूँ कि ये जो मैं जो आज का जो मैं वीडियो जो बना रही हूँ ये मैंने यूज़ करी हुई मेरी ब्रा है। आफ्टर यूज़ जो रिव्यू होता है वो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि मैं भी मोस्टली अगर कोई प्रोडक्ट खरीदती हूँ तो मैं उसको आफ्टर यूज़ वीडियो देखना ही पसंद करती हूँ। क्योंकि न्यू थिंग हमेशा अच्छी होती हैं और उनके बारे में आप कुछ अच्छा बुरा नहीं बता सकते, लेकिन आफ्टर यूज़ आप उसके बारे में बहुत कुछ हमें बता सकते हो। तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी ऐसी वीडियो बनाऊँ कि ताकि लोगों को गलत परचेजिंग ना हो जाए, और अगर वो परचेज़ करने जा रहे हैं तो उससे पहले उन्हें उनके बारे में पता चल जाए। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मैं बताती हूँ, इसमें शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं बात करती हूँ इस ब्रा की। इसका लिंक, इसकी पिक्चर मैं आपको अपनी वीडियो में ऊपर टॉप पर दिखा दूँगी, आप उसमें देख सकते हैं। अब तक की सबसे बेस्ट ब्रा मुझे ये वाली लगी एज अ क्वालिटी वाइज, एज अ डेली वियर। अभी थोड़ा सा रफनेस आ गई क्योंकि मुझे पूरा एक ईयर होने वाला है इसको यूज़ करते हुए। लेकिन अगर मैं इसका रिव्यू देना चाहूँगी तो ये कहूँगी कि सबसे कंफर्टेबल रही, इसमें बहुत अच्छा मेरे को सपोर्ट मिला। दूसरी चीज़, ये कहीं से भी गड़ी नहीं, मतलब कहीं से भी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। और देखिए पूरा साल हो गया, ये अभी वैसे की वैसी है, इसकी लेस वेस में भी कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं आई। और सबसे बेस्ट पॉइंट, ये अभी तक ऐसा नहीं है कि लूज़ हो गई है, इसको हम रिटायर कर दें, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सबसे अच्छी बात है इसमें निप्पल शो नहीं होते, क्योंकि इसमें डबल लेयर आ रही है, एक ऊपर नेट है और दूसरा पीछे इसके नीचे ये कपड़ा है। देखने में ये पॉलिएस्टर टाइप समथिंग कुछ है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको गर्मी लगेगी, पसीना आएगा, ऑक्सीजन या ब्रीद नहीं कर पाएगी आपकी स्किन, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत कंफर्टेबल, बहुत सपोर्टिव, बहुत ही अच्छा मुझे इसका मटेरियल लगा। और अगर नेक्स्ट मैं कभी मंगाऊंगी तो इस डिज़ाइन प्रिंट में से मैं एक और मंगाऊंगी, क्योंकि बहुत ही कंफर्टेबल है। इसको मैं अगर 5 स्टार में से रेटिंग देना चाहूंगी तो मैं 5 out of 5 दूंगी, क्योंकि मुझे इसको पहनने में, इसको यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो फ्रेंड जो भी कोई अगर आप इस तरीके की ब्रा परचेज करना चाहते हैं तो वो आग बंद करके परचेज कर लें। लेकिन परचेज करने से पहले एक सजेशन दूंगी, जो आपका साइज चार्ट में साइज निकलता है, और अगर आप बस्टी हैं, हैवी ब्रेस्ट हैं, तो प्लीज़ एक साइज़ आप मंगाएं, ताकि इसका अच्छा फिटिंग आए और आपको आगे कोई दिक्कत ना हो और रिटर्न करने का इशू ना हो। लेकिन अगर आप अप टू साइज़ मंगाते हैं, बिल्कुल करेक्ट साइज़, तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हैवी बस्ट वालों को अगर थोड़ा एक्स्ट्रा साइज़ होता है तो अच्छा कवरेज, अच्छा फिटिंग मिल जाती है, थोड़ा टाइटनेस नहीं होती, थोड़ा ब्रीदेबल हो जाता है। तो मैं यही सजेशन करूँगी, ये आप मंगा सकते हैं, और एक साइज़ आप मंगाएंगे तो ज़्यादा कम्फर्टेबल है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसकी। ये बहुत ही अच्छी है, लेकिन इसके बहुत से ड्रॉबैक हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। बहुत सुंदर इसकी लुक है, ये भी मेरी डेली वियर में है, यूज़ होती है, लेकिन सबसे इसका ड्रॉबैक है कुछ ही ड्रेसेस में मैं इसे पहन पाती हूँ, क्योंकि इसमें निप्पल शो होते हैं। आई डोंट नो व्हाई इसमें निप्पल शो होते हैं, कहने का मटेरियल इसका भी मोटा है लेकिन इसमें निप्पल शो होते हैं। बहुत प्लेन टी शर्ट्स या प्लेन सूट्स पे आप इसको नहीं पहन सकते, अनकम्फर्टेबल सी हो जाती है, तो ये इसका ड्रॉबैक है। दूसरे, इसकी कुछ अलग ही शेप आती है, जैसा हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग ये शेप नहीं लेती, इसकी अपनी खुद की एक शेप है। ये जो खुद का जो इसका पैटर्न है, खुद का जो इसका डिज़ाइन बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही इसकी शेप आती है, तो इसकी शेप और इसकी लुक अच्छी नहीं आती। पहनने के बाद मतलब पता चल जाता है कि हाँ आपने अंदर कुछ पहना है, कुछ इस तरीके के डिज़ाइन वाला, मतलब इस तरीके से इसमें शो होने लगता है।
थोड़ा सा ये मोटा भी है, इसका फैब्रिक थोड़ा मोटा भी है, थोड़ा इसको पहनने में थोड़ी गर्मी फील होती है, लेकिन हाँ ठीक है, आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर इसकी रेटिंग 5 स्टार में से दी जाए तो मैं इसे 2.5 स्टार ही दूंगी, क्योंकि जो इसकी शेप है वो अच्छी नहीं लगती, तो मैं लिमिटेड कपड़ों के लिमिटेड ड्रेस के साथ ही मैं इसको कैरी कर पाती हूँ। और दूसरा, इसमें निप्पल जो शो होते हैं वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, तो मैं चाहूँगी कि प्लीज़ इसे परचेज करने से पहले 2 बार सोच लें और मेरी वीडियो को ज़रूर ध्यान से देख लें। द नेक्स्ट वन इज़, ये भी मैंने पहले परचेज़ करी थी, ये ब्रा डिज़ाइन प्रिंट की तो बहुत अच्छी है, क्योंकि हैवी बस वालों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो स्टाइल नहीं कैरी कर पाते हैं, स्टाइल कैरी करते हैं तो कंफर्ट नहीं होता, फिटिंग अच्छी नहीं आती, तो बहुत से इशू होते। यही सोच के मैंने ये ब्रा परचेज करी थी, बट अगर मैं कहना चाहूँ ये बिल्कुल भी सपोर्टिव और कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि ये जो इसकी लेस का जो पैटर्न है, जो ये इसका लेस का जो पैटर्न है, ये आपके ब्रेस्ट को सपोर्ट नहीं दे रहा है, आपको मिडल में बहुत ज़्यादा बल्जी सा फील होएगा, ब्रेस्ट शो होती हैं, मतलब आपको इसको टाइम टाइम पे सेट करना पड़ता है। ये नहीं कि पूरे दिन अगर पहन लिया तो ये सेट है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करी, बहुत रेयरली मैं इसको कभी एक दो बार यूज़ करा होगा तो करा होगा, न्यू की न्यू ये मेरे पास पड़ी है, क्योंकि ये बिल्कुल भी परफेक्ट फिटिंग नहीं दे रही, सपोर्ट अच्छा नहीं दे रही, और मतलब बहुत ही प्रॉब्लम देती है पूरे दिन में। तो ये तो मेरी बिल्कुल शॉपिंग ख़राब हो गई, मैं इसको वापस इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि मैंने 3 का कॉम्बो परचेज़ करा था, जिसमें 111 में मैंने 3 परचेज़ करी थी, तो कॉम्बो में इसको रिटर्न करना मुश्किल हो जाता है। अगर मैं सिंगल ख़रीदती तो शायद मैं इसको रिटर्न कर सकती, बट अगर आप यूज़ कर लेते हैं तो आप प्रोडक्ट को वैसे भी रिटर्न नहीं कर सकते हैं, तो ये भी इसका ड्रॉबैक होता है लॉन्जरीज का। तो फिर अभी ये मेरे पास पड़ी हैं, बट मैंने एक आइडिया फिर भी सोचा है कि अगर ये यहाँ से हमें सपोर्ट नहीं देती, हमारा थोड़ा बॉडी पार्ट रिवील हो रहा है, शो होता है, तो उसके लिए मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर पर्टिकुलर कोई कपड़ा, कोई इलास्टिक ऐड कर दूँ जिससे कि यह कवर अप हो जाए। तो देखते हैं मैं इसका क्या मॉडिफाई करूँगी। एटलीस्ट होल ईयर हो गया ऐसे पड़े हुए, मैंने अभी तक इसको यूज़ नहीं करा। एंड प्लीज़ हैवी बस लेडीज़, डोंट बाय दिस प्रोडक्ट, इट्स नॉट मेड फॉर अस, इट्स नॉट सपोर्टिव, इट्स नॉट गुड फिटिंग। ये मेरी रेटिंग है। अगर मेरे को कोई कहे 5 out of मैं कितनी रेटिंग देना चाहूँगी, तो मैं इसको 0 रेटिंग देना चाहूँगी। एंड दिस इज़ द नेक्स्ट एंड न्यू वन, ये अभी मैंने हाल में ही कुछ दिन पहले मंगाई है। फ्रेंड्स, मेरे पास कोई भी ऐसा पैडेड कलेक्शन नहीं था, क्योंकि मैंने बहुत सा सुना है कि एक तो वैसे ही ब्रेस्ट ओवर हो और उस पर पैडेड और ज़्यादा आपको बल्जी कर सकती हैं, या आपका ब्रेस्ट साइज बढ़ा सके, तो इसके बारे में मैं बोलना चाहूँगी, प्लीज़ आँख मीच कर आप इस प्रोडक्ट को मंगा ले, ये बहुत बहुत बढ़िया है। इसका जो पैड है बहुत लाइट वेटेड है, इस ब्रा का कोई वेट नहीं है, आप इसको पहनते हो तो ये बिल्कुल फील नहीं होती, ये डेली वियर ब्रा है, इसमें निप्पल शो होने की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी क्योंकि पैडेड है। ये जो भी मटेरियल है बहुत ही ब्रीदेबल, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही बढ़िया है। ये आप देख सकते हैं फैब्रिक बहुत अच्छा है, इसका मैंने न्यूड कलर मंगाया है। अगर इवन कभी कोई ड्रेस पे स्ट्रैप दिखती भी है तो पता नहीं चलती, क्योंकि ये स्किन के साथ बहुत अच्छी जा रही है। मैंने इसको होल डे वियर किया, इट्स वेरी सपोर्टिव, मुझे नहीं पता चला कि ये मैंने वियर करी है, कोई हैवीपन नहीं है, बहुत अच्छा कवरेज दे रही है, यहाँ से भी यहाँ से भी। जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको पहना ट्रायल के लिए, तब मैं थोड़ा टेंशन में आ गई थी, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम पहना तो आप देख सकते हैं यहाँ से थोड़ा, क्योंकि एक कम और एक ज़्यादा होता है ब्रेस्ट हमारा, लेकिन एक तरफ से थोड़ा बल्जीपन मुझे लगा, तो मुझे लगा शायद साइज़ गड़बड़ हो गया है या ये हमारे लिए नहीं बनी है। तो फ्रेंड्स, बट मैंने इसको फिर पूरे दिन इसको वेयर करके देखा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं ओवर बल्जीनेस फैब्रिक के अंदर हमारा दिख तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये अपने आप एडजस्ट हो गई, इसने अपने आप शेप ले ली, साइज ले ली, और हमारी ब्रेस्ट इसके अंदर अच्छे से कवर अप हो गई है। एक जो प्रॉब्लम इसमें जो हुई वो ये थी कि अगर ये स्ट्रैप थोड़ा सा और होता तो ये नीचे से भी अच्छा सपोर्ट देता, थोड़ा बस यही मेरे को इसमें थोड़ा लगा कि ये चौड़ाई और होनी चाहिए। इवन अगर मैं आगे कभी पैडेड ब्रा परचेज करूँगी तो मैं इसके थोड़ा सा, अगर मैं ब्रॉड होगा तो मैं ज़्यादा
वो लेना प्रेफर करूँगी, क्योंकि ये थोड़ा कम होने की वजह से ना थोड़ा अच्छा सा नीचे से कवरेज नहीं दे पा रहा। तो फ्रेंड्स, आप आँख बंद करके ये परचेज कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि मैंने जो मेरा फिट साइज जो आ रहा था उसमें, उसके अकॉर्डिंग मैंने वन साइज़ अप मंगाया है, ताकि मुझे कोई रिटर्न का इशू ना रहे। तो रिटर्न का कोई इशू नहीं रहा, क्योंकि ये मेरे को बिल्कुल परफेक्ट आई। अगर आपको मंगाना है तो वन साइज़ अप आप इसको मंगा सकते हैं, ये आपके लिए बेस्ट है। रेटिंग में मुझे अगर 5 स्टार्स में से अगर रेटिंग देनी हो तो मैं इसे 5 out of 5 दूंगी। इट्स अ वेरी गुड मटेरियल, वेरी सॉफ्ट एंड वेरी स्किन फ्रेंडली मटेरियल एंड ऑल्सो वेरी गुड सपोर्ट। तो एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, मैंने 1 more प्रोडक्ट बाय करा था जो 3K कॉम्बो में था, वो ये था और एक और सेम ऐसे ही कलर का मैंने जो लिया था, जिसकी इमेज मैं आपको वीडियो में शेयर कर दूँगी। एक्चुअली वो तो इतनी वर्स थी कि उसमें आई डोंट नो उसके नीचे बॉटम साइड में किस तरीके का फैब्रिक मटेरियल यूज़ किया गया था, जो बहुत ही इचिंग कर रहा था आपकी बॉडी को, बिल्कुल भी स्किन फ्रेंडली नहीं था। उसकी वजह से इतने इचिंग, पूरे दिन खुजली और रैशेस होते थे, तो वो मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करी। तो मैंने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करा, जिसको यूज़ करने के लिए मैंने उसको कर लिया। बट मैं उसको रिकमेंड करूँगी, आई डोंट नो वो मेरे ही मटेरियल के साथ प्रॉब्लम हुई थी या औरों ने भी जिसने इस तरीके का मटेरियल परचेज किया था उनको भी ये फेस करना पड़ा, बट वो बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं रही। तो फ्रेंड्स, ये मेरा आज का वीडियो था जो मैंने आपके साथ शेयर करा। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर कोई भी इन चीज़ों से रिलेटेड कोई इशू हो या कोई मैटर हो, तो प्लीज़ आप उसे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।